हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेक्शन सी को करने वाले, ठीक है। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के है? 3 मार्क्स के, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बारीकी बारीकी से सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 7/5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, अरे जो भी है उसका जस्ट ऑपोजिट मान लेते हैं। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसको क्या करेंगे? रेशनल मान लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या? लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। 7/5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर होता क्या है कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज 7/5 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड, है ना, या फिर ऐसा लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम दैट मीन्स ये दोनों किसी से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस दैट मीन्स हम लोग √5 इक्वल टू पी बाय 7q, ठीक है, 7q। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्या है? √5 एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है। तो कोई भी इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट मीन्स √5 नॉट इक्वल टू इसको ये जो नंबर है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से क्या पता चला, √5 नॉट इक्वल टू ये मतलब इसको हम इस तरह के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आया कहाँ से? यहाँ से आया। और ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। दैट मीन्स हम लोग जो माने थे वो क्या माने थे? रॉन्ग माने थे, ठीक है ना। तो है ना, इट इज आवर कंट्रोडक्शन, है ना। हेंस डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, हेंस आवर है ना एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम लोग जो माने थे वो क्या था? गलत था। दैट हेंस 7/5 डायरेक्ट लिख देते ना, 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे, इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। हम लोग क्या लेट किए थे? ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में लिखे तो इसको हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है इतना इक्वल टू इतना नहीं होता, क्योंकि √5 जो होता है क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को भी p/q के फॉर्म नहीं लिख सकते। तो ये वाला जो फॉर्म आया कहाँ से? यहाँ से आया, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। दैट मीन्स जो हम लिए वही गलत लिए, है ना। तो है ना, दुनिया में दो ही टाइप होते नंबर होते, एक होते हैं कितना रैशनल, एक होते इरेशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल में हम लोग गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में? तो बस यहाँ तक आपको सॉल्व करना, खड़ा से आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है? सॉल्व 4x, x का वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हो तो ये इक्वेशन को हम लोग फिर से एक बार लिख देते हैं ना। तो x-1 डिवाइडेड बाय 2x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिलता जुलता टर्म है ना, मिलता जुलता टर्म है ना। तो ये जो चीज है इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x-1 2x
2x-1+, ठीक है, इस चीज को नीचे ले आता है तो 1/x-1/2x+1, हाँ सही है, इक्वल टू। हम लोग क्या करते हैं ना, लेट लेट x-1/2x+1 को t मान लेते हैं, क्या करते हैं t मान लेते हैं, तो ये जो समझ में आ रहा है ये चीज समझ में, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं t मान लेते, ये क्या आ जाएगा t+1/, ये टोटल का टोटल क्या आ जाएगा t, है ना, तो क्या आ जाएगा t+1/t=2, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, टी का स्क्वायर प्लस 1/t=2, देन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 2t हो जाएगा, तो टी स्क्वायर -2t-2t+1, टी स्क्वायर -2t कैसे समझ में आया, ये वाला टी उधर चल जाएगा ना, +1=2t, तो ये टी स्क्वायर -2t+1=0। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो टर्म है ये क्या कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a-b² t-1² तो t² + 1 -2ab, ठीक है, =0। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 कब आएगा, जब t=1 लेंगे, तो t-1=0, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, t=1, ठीक है। अब t के वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है ना। अभी हम लोग माने थे ना, क्या माने थे, x-1/2x+1=t, t का वैल्यू क्या ले लेंगे 1, t अलग उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-1=2x+1, ठीक है। अब जो ये x है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, ये 1 इधर, तो -1, और ये जो 1 इसको लेफ्ट साइड लिया -1, ये 2x-x, दैट मीन्स x-2, तो अभी समझ में आ गया x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो ये वाला सही है ना, क्यों सही है, क्योंकि x का वैल्यू -2 अगर पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये =2 आ रहा है, ठीक है ना। चेक कर सकते हैं, अभी अभी हमने चेक किए थे, फिर से -2 -1 -3, फिर -4+1 -3, तो सेम यहाँ पर भी -3 देगा, यहाँ पर भी -3 देगा, तो कट के क्या देगा, 1+1 2 देगा, ठीक है, जो कि है हम लोग का, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर 24 रुपीज, ठीक है ना, एक टॉय को क्या करता है, सेल कर देता है 24 रुपीज में, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में क्या बोलेंगे, सेल बोलते थे सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 24, ठीक है। एंड गेन एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस, अब वो जो गेन करता है, वो जो गेन करता है कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है, गेन वो जो गेन करता है वो क्या करता है, गेन एज मच एज परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस, तो वो जो गेन करता है कॉस्ट प्राइस का इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि सीपी के इक्वल होता है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का कॉस्ट प्राइस निकालने वाला, ठीक है। विच मेथड कॉन्सेप्ट इज यूज इन द एबव प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व की इसको कौन सा मेथड से हम लोग सॉल्व किए, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गेन परसेंटेज अगर हम लोग निकालेंगे, है ना, गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट ऑफ द टॉय, ठीक है। तो हम लोग चलिए, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज का गेन बाय सीपी, है ना, गेन बाय सीपी, तो गेन परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू सीपी, है ना, एक मिनट, तो गेन बाय कॉस्ट प्राइस, है ना, गेन बाय सीपी =100, तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन परसेंटेज इंटू सीपी /100, ठीक है, ये सीपी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 डिवाइड हो जाएगा, देन गेन इसको कितना किया, ठीक है। अब देखो तो गेन परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज गेन किया, जितना किसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। तो देखो गेन परसेंटेज दोनों के एक्स मान लेते, क्या कर लेते हैं एक्स,
तो ये एक्स इंटू एक्स बाय 100, गेन परसेंटेज भी एक्स है, सीपी भी एक्स है, ठीक है। दैट मीन्स गेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 100, दैट मीन्स एक्स बाय 10 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में है ना, अब हम सॉल्व करते हैं है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस जो होता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। हम लोग किसी भी सामान को कोई भी सेल करता है, कोई भी डीलर जब सेल करता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस है और उसका कुछ गेन, ठीक है ना। दोनों दोनों मिलके क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एसपी सीपी को सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस देखो एक्स, और गेन कितना था हम लोग के पास, गेन था देखो अभी भी फाइंड किया ना, एक्स स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर बाय 100, और ये एसपी कितना था 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 24 100x + x स्क्वायर बाय 100, और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 00 100x + x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस 100x - 24 = 0 मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 100, और इंटू डिवाइड करने से क्या आना चाहिए, 24 100, ठीक है। तो 24 24 को किससे किससे करेंगे, 10 आएगा, 2 और 12, 2 और 12 को माइनस करने से 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 20, ठीक है ना। तो 120 - 20, देखो 120x - 20x 22 = 24 और 100, ठीक है ना, -24 00 = x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको फिर से सॉल्व करते हैं अच्छे से, ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, x + 120, ठीक है। और ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, -20 - 20 कॉमन ले लेंगे तो x का x, 20 0 कॉमन, 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 120 120 = 0। अगेन x + 120 कॉमन ले लेंगे तो x - 20 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या दे रहा है, एक -120 दे रहा है, ठीक है, और एक x = 20 दे रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दो हमको क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, बोरा के फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो टॉय का कॉस्ट प्राइस क्या था, एक्स था, तो एक्स का वैल्यू क्या लेंगे बताओ, 20 नहीं लेंगे, कभी भी नेगेटिव में कॉस्ट प्राइस होता है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय = 20 रुपीज, ठीक है, आ रहा है 20 रुपीज। इसको 24 रुपीज में सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है ना। तब हम लोग इसमें प्रॉफिट कितना आएगा, वही 20% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, सॉल्व किए। तो ये था तो इसका वन का आंसर था, ठीक है। अब टू में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कौन सा मेथड से सॉल्व किए, इसको हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये था हम लोग का सॉल्यूशन 28 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 28 का और, 28 का और, 28 का और में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है इन फॉरेस्ट, जंगल में आर कट डाउन एवरी ईयर, है ना, जंगल में क्या है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। सो एनिमल्स डू नॉट फाइंड शेडो, है ना, शेडो एरिया टू स्लीप और रेस्ट। सो एनिमल्स को है ना रेस्ट करने का या फिर सोने का जगह एक शेडो एरिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का जो जानवर होता है, वंडर ऑल डे टू फाइंड द एरिया, ठीक है, घूमते रहते हैं एरिया, शेडो एरिया खोजने के लिए, ठीक है, घूमते रहते हैं पूरा दिन भर। फुल ऑफ ट्रीज, है ना, एरिया फुल ऑफ ट्रीज, जहां पर पेड़ से भरा हो,
ठीक है, ऐसा पार्ट, ऐसा एरिया जहां पर पेड़ से पेड़ पौधे हो, ठीक है। ए वर्टिकल रो ऑफ ट्रीज 12 मीटर लॉन्ग कास्ट, दैट मीन्स क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल रो 12 मीटर का एक लंबा सा पेड़ है, 12 मीटर का क्या बोल रहा है, एक लंबा सा पेड़ है लॉन्ग ट्री। ए शेडो 8 मीटर, जिसका शेडो कितना दिख रहा है, 8 मीटर, क्या दिख रहा है, 8 मीटर, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर, ग्राउंड में, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, ए बैम्बो ट्री, बैम्बो ट्री वही बांस, बैम्बो ट्री कास्ट द शेडो 40 मीटर ऑन द लैंड, इसका जो कास्ट मतलब शेडो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 40 मीटर बन रहा है, ठीक है ना, सेम टाइम पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैम्बो, तो ये हाइट ऑफ द बैम्बो, ये क्या था, ट्री है, ये क्या है, ट्री, और ये क्या है, बैम्बो, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है ना, तो चलिए इसको हम लोग दो मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, दो मेथड से फाइंड करेंगे, देखो कैसे। शेडो, अच्छा दिन में इसका जो शेडो बनता है वो किसके वजह से बनता है, सन की वजह से बनता है, किसके वजह से बनता है, सन की वजह से। तो सपोज दैट यहाँ पर सन है, क्या है, यहाँ पर ये सन का लाइट आ रहा है, ठीक है, ये सन का लाइट क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है बात, सन का लाइट आ रहा है, तो ये जो सन, ये भी एक सन का लाइट ही है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और ये एंगल दोनों इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम खड़े, बगल में कोई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो एंगल का जो लाइट होगा है ना, वो सन का लाइट जो ऊपर से आ रहा है ना, तो उसका एंगल क्या होगा दोनों का, तो आप पॉइंट से इक्वल ही आएगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई तीसरा पार्ट है, एट उसी टाइम पर इसका जो एंगल ऑफ रे होगा विथ जो भी है, बिल्डिंग है, ट्री है, दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको थीटा को कैसे फाइंड करें, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ट्रिगो चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, ट्रिगोमेट्रिक में आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एप्टेनियस, और जो बचा उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, जो बचा उसको क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। अब हम लोग देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर ए बी सी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, अब हमको क्या फाइंड है, क्या पता है, पी और बी पता है, तो पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में आता है, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो P कितना दिया हुआ, 8, बाय B कितना है, 12, ठीक है। अब हम ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी, तो पी कितना दिया हुआ है, 40, और बी कितना है, बी हमको पता नहीं है, तो ये बी है क्या, पी क्यू, बी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर ये तो दोनों एंगल इक्वल है ना, दैट मीन्स इस टेन थीटा की जगह पर इस चीज को लिख सकते हैं, 8/12, 8/12 इसको हम इक्वेशन वन मान लेते, ठीक है ना, तो 40/PQ इसको लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। अब PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 12/8, तो क्या हो जाएगा, 8/5, ठीक है ना, तो पी क्यू इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का जो हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो हम लोग अभी कैसे, हैंस क्या लिखे, हैंस हाइट ऑफ बैम्बो ट्री, हाइट ऑफ बैम्बो इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। अब देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कौन सा कंसेप्ट के यूज किए, तो ये हम लोग ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कहाँ देखते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, तो लोग क्या लिखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग इसको सेकंड मेथड इसको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं, सब फिगर तो सेम ही होगा ना, फिगर तो सेम ही होगा। अब ये एंगल तो सेम ही होगा क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है रे, सन से आ रहा है ना, सन से हमेशा सेम देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, यहाँ पर पांच बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ है ना, इस तरह से कुछ पांच बच्चे हैं। अगर सबका सबका कुछ ना कुछ शेडो बन रहा होगा, ठीक है, तो इसका शेडो ये बन रहा होगा, इसका शेडो ये बन रहा होगा, इसका शेडो ये बन रहा है, इसका शेडो ये बन रहा है, इसका शेडो ये बन रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, ये जो लाइट रे दे रहा है, ये लाइट रे थी तो सबका एंगल क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि सबका लाइट रे कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको है ना समझ में आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या देखेंगे, देख लो इसको हटा दे, चलो थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ तो रहेगा, कुछ कुछ हटा देता ना। ये था फर्स्ट मेथड, ये अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड मेथड। देखो यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये हमेशा 90 डिग्री है, एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों में हम लोग क्या देखेंगे, एंगल बी एंड क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, कहाँ से, एच 90 डिग्री, एच 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, है ना, कहाँ से क्या लिखेंगे इसको हम लोग बताओ, रे है ना, रे लाइट एंगल, रे लाइट एंगल ऑन हॉरिजेंटल, कोई भी नहीं सॉरी ऑन वर्टिकल, ये क्या है, वर्टिकल है ना, कुछ भी वर्टिकल ले सकते हैं, ऑन वर्टिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ए तो ए क्रिटेरिया, अगर ये दोनों एंगल तो तीसरा एंगल तो इक्वल ही होता है ना, हम लोग जानते हैं, अगर ये 90 ये 90, अगर ये 30 है ये 30 है, तो जो एंगल ये होगा वो भी वही होगा, ठीक है, ये तो जानते हैं। तो ए क्रिटेरिया फ्रॉम ए सिमिलरिटी, फ्रॉम ए सिमिलरिटी क्या बोल सकते, ये जो ट्रायंगल है दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड एंगल सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड होता है उसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, और बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर। अब देखो ध्यान से, ए बी का कितना वैल्यू पता है, 2 L, पी क्यू का हमको फाइंड करना है नहीं पता है, बी सी कितना पता है 8, और ये कितना पता है 40, ठीक है। तो अब हम देखो ध्यान से, पी क्यू इक्वल पी क्यू क्या हो जाएगा, 12 × 40/8। देखो ये पी क्यू है, इस पी क्यू को राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है, ये पी क्यू को राइट साइड ले गए तो इसको हम लोग लेफ्ट ले आएंगे, और ये डिवाइड में आ जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो वही आएगा, तो 8 × 5 = 40 / 25 = 60, ठीक है ना, 60, तो वही आया कि नहीं आया। हेंस हाइट ऑफ द बेम्बो इज 60 मीटर। अब इसमें जो इसमें कौन सा कंसेप्ट का यूज किए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, बस समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको दो तरीके से सॉल्व किए, ठीक है ना, तो जो भी मेथड इजी लगे उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 28, 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 29 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कल डिस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, तो जरा सोचो ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा, इसका ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा, यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल ले लो, इसके अंदर क्या ले लो, एक सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि
क्वाड्रेटरी सर्कल इज क्राइम सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर क्या देगा? सप्लीमेंट्री एंगल देगा। देखो ना, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगर हम लोग ए बी सी डी मान लेते हैं और इस सेंटर को ओ मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो हमको सो दैट क्या सो दैट करना है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम, ठीक है। और क्या हो सकता है? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमको शो करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? प्रूव दैट ऑपोजिट साइड द क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड द क्वाड्रिलेटरल सर्कम एस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका ऑपोजिट साइड का जो एंगल बनेगा एट द सेंटर पर, ठीक है, वो क्या देगा? हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल देगा, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इसका हम लोग जो है ना, यहाँ पर एक ले लेते हैं ना, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। यहाँ पर इसको, इस ट्रायंगल को पी क्यू आर और एस मान लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस मान लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लिए, ठीक है। अब देखो तो ध्यान से, हमको ई वाला एंगल और ई वाले एंगल को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये इसको अगर हम लोग इस एंगल को इसके इक्वल कर देते हैं और इस एंगल को इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों एंगल को इक्वल करेंगे तो ये वाला एंगल यहाँ चल जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ चल जाएगा, तो दोनों, ये वाला दोनों और ये वाला दोनों आ गया ना कॉमन, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लिए, हमको शो क्या करना है, ये पार्ट हमको शो करना है, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को 180 डिग्री शो करना, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, ये दो एंगल को हम लोग, जिसको हम लोग, ये दोनों एंगल को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल करेंगे बताओ। इसको एंगल करने का दो तरीके, एक सिमिलर ट्रायंगल से इक्वल करते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल से इक्वल करते हैं, तो इन इस ये जो सेंटर है इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं ना बी ओ क्यू, इन ट्रायंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू और ए बी ओ क्यू और बी ओ आर एंड ट्रायंगल बी ओ आर, समझ में आ रहा है? तो बी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल और बी ओ आर मतलब ये वाला एंगल, इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है? एक तो 90 डिग्री दिख रहा है, रेडियस है, टेंजेंट, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है वो क्या है? एंगल आर। तो ये एंगल आर हो गया और ये जो एंगल है वो एंगल क्या है? क्यू, एंगल क्यू, दोनों 90 डिग्री, ठीक है, इच 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ओ आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ क्यू, ओ आर, यहाँ पर ओ क्यू होगा ना, क्योंकि बी ओ क्यू बात कर रहा है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों क्या है? रेडियस, क्या है? रेडियस, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी तो कॉमन है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी। अब देखो तो ये राइट एंगल लिए, ये हाइपोटेनियस और ये साइड, ठीक है। तो फ्रॉम आर एच एस क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट, बी ओ क्यू क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट
BOR कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोलो, साइड और एंगल बोथ आर इक्वल। तो ठीक है, हमको एंगल चाहिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल BOQ, एंगल BOQ इज ऑलवेज इक्वल टू BOR बाय CPCT। CPCT तो ये एंगल क्या है, 3 और 4 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। सिमिलरली सिमिलरली ये दोनों एंगल था, ये देखो डायगोनल था, ये क्या है डायगोनल वाला, डायगोनल क्या करता है इस एंगल को डिवाइड करता है, उसी तरह से ये जो डायगोनल है इस एंगल को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और क्या बोल सकते हैं एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7, 8 इक्वल टू एंगल 7, और क्या बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक, ठीक है ना। नाउ नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस डैश डैश एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि मेरे पास जगह एरिया कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं, अच्छा एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं, है ना, या फिर एंगल 2 के जगह पर एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर भी एंगल 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 के जगह पर भी 1 लिख दिए, एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, है ना। तो ये एंगल 3 की जगह एंगल 4, और ये 4 अपना जगह पर, ठीक है। 5 को अपना जगह पर रहने देते हैं, 6 को एंगल 5 लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 7 को एंगल 8 लिख देते हैं, और ये एंगल 8 को 8 रहने, फिर 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 फिर एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 8 को क्या बोलेंगे, एंगल 1 और 8 एंगल 8 को, देखो ध्यान से, एंगल ये 1 एंगल 8 है, इसको ए ओ डी बोलेंगे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल 4 और एंगल 5 को क्या बोलेंगे, बी ओ सी। अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 360 माइनस 2 बाय 2 360 बाय 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ रियल पार्ट फिर रियल पार्ट, क्या किया समझ में आया। एक क्वाड्रिलेटरल लिए, उसके अंदर एक सर्कल लिए, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसके डायगोनल को मिला दिए, और इसको सर्कल करने के बाद इसका जो टेंजेंट पॉइंट है सेंटर से मिला दिए, ठीक है। अब उसके एंगल मान लिए, अब एंगल मान लिए तो हमको क्या शो करना है, इतना इक्वल इतना, तो इस एंगल को इसके इक्वल कर दिए, इसके इक्वल कर दिए, ठीक है, इसके इक्वल कर दिए, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया। और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 360 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 180। बस खत्म, वही तो किए, अरे बस ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, बनने के बाद आपको खुद पर खुद समझ में आएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो रहा है, प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना, टैन टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, RHS लेके जाते हैं, ठीक है। तो LHS लिखते हैं सबसे पहले, LHS क्या दिया हुआ है, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, ठीक है। तो टेन को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस,
पूरा लिखना है क्या? चलो लिख देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, फिर वन माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, या सर लो सही है, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन थीटा, दैट मीन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लो इसका, तो ये तो हम लोग साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है ना, सही जा रहे हैं ना, ठीक है, कंफ्यूजन है ना, कॉस माइनस साइन बाय कॉस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, ये साइन ऊपर चल जाएगा, डिवाइड बाय साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये जो चीज है इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो साइन माइनस कॉस लाने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, तो जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, फिर से साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, वन बाय साइन माइनस कॉस कॉमन ले लो, तो वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कर सकते, फिर से एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो तो साइन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू इंटू क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ए बी साइन कॉस, ठीक है, साइन का स्क्वायर एस दैट मीन साइन स्क्वायर, ठीक है ना, शॉर्ट में इसलिए लिख लो ताकि जगह नहीं है ना, एरिया कम है, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग पास, फाइनली क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस डिवाइड बाय साइन कॉस। अब इसको अलग देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बिलो वन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसको अलग अलग रखेंगे, तो जैसे हम लोग अलग अलग करते हैं, तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पार्ट कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, साइन साइन कैंसल, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा प्लस वन, ये हम लोग का क्या हो गया, राइट आरएचएस, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये था हम लोग का सॉल्यूशन 13 30, ठीक है, 30 का और में क्या बोल रहा है, वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा,
कॉट स्क्वायर अल्फा बाय वन प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस क्या दे रखा है, वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाय वन प्लस कॉसेक अल्फा, ठीक है। तो वन प्लस कॉट, कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट का क्या होता है बताओ, साइन कॉस बाय साइन, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बाय, ये बाय ठीक है ना, इसको लिखते ना ऐसा वन प्लस, फिर वन प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का क्या आ जाएगा वन बाय साइन अल्फा। चलो ठीक है, अब ये जो चीज है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस वन बाय साइन अल्फा, ठीक है, ये वन प्लस। अभी हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय वन प्लस साइन अल्फा, या फिर साइन अल्फा प्लस वन, ठीक है। तो ये हम लोग का एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो चलो एक लाइन, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ पर ऑटोमेटिक दिया हुआ है ना कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन होता है, तो ये तो हम लोग जानते हैं ना। तो साइन अल्फा प्लस वन, फिर साइन अल्फा इंटू वन प्लस साइन अल्फा है, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस साइन अल्फा भी लिख सकते, साइन अल्फा प्लस वन। अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाय साइन अल्फा दैट मीन्स वन बाय साइन क्या होता है कॉसेक अल्फा, ये क्या हम लोग का आर एच एस, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 का भी और कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर हमको पता है इतना इक्वल टू इतना आएगा, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है ना, तो किसी भी तरह से कोशिश कर रहे आंसर लाने का, ठीक है। चलिए एट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग का सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन्स 18 बॉल्स, एक बैग है, एक बैग है जिसमें 18 बॉल्स है, 18 बॉल्स है, ठीक है। अब 18 बॉल्स में से क्या बोल रहा है, एक्स बॉल्स आर रेड, आउट ऑफ एक्स बॉल्स रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बॉल क्या है रेड है, और रिमाइंडर कुछ भी है कलर का होगा तो एक्स बॉल क्या है रेड है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वन बॉल इज ड्रो एट, है ना, तो रेड बॉल, रेड बॉल है ना, रेड बॉल कितना है हम लोग का एक्स है, तो नॉट रेड बॉल क्या हो जाएगा, नॉट रेड बॉल, तो रेड बॉल कितना नहीं है, कितना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 18 माइनस एक्स, अगर 18 में से 6 बॉल रेड है, ठीक है, तो रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 18 माइनस सिक्स 12। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, 18 माइनस एक्स का ये रेड बॉल नहीं है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, है ना, इट इज नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ठीक है। तो नॉट रेड को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इवेंट ऑफ नॉट रेड बॉल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल इवेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, नंबर सॉरी, नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल, या फिर इवेंट नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ
बॉल तो नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल कितना है, 18 माइनस x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, 18। ठीक है, हम लोग आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, ठीक है ना, सही मारा बात। चलिए ये था वन। फिर दो में क्या बोल रहा है, टू मोर रेड बॉल आर ड्रॉ, इसमें क्या किया जाता है, दो गो रेड बॉल डाला जाता है, इसमें दो गो रेड बॉल क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे दो गो रेड बॉल इसमें हम लोग डाल दिए, क्या कहते हैं, दो गो रेड बॉल डाल दिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें रेड बॉल कितना हो जाएगा, इसमें रेड बॉल कितना हो जाएगा, x+2, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, है ना, रेड बॉल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख जाना, रेड बॉल इसमें कितना हो जाएगा, x+2, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, पहले 18 था, दो बॉल डाल दिए तो कितना हो जाएगा, 20, और जो दो बॉल डाले वो क्या था, रेडी था, ठीक है। नॉट रेड बॉल कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस इतना आ रहा बस में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ना, पुट द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 9/8 टाइम्स, नाइन बाय एट टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना था, फर्स्ट केस में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी था x/18, नॉट रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना था, 18/x, 18 - x/18, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर पूछते कि रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है इस केस में, तो रेड बॉल कितना है, x, है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल नॉट हटा देते तो रेड बॉल कितना जाता है, x, टोटल नंबर ऑफ बॉल 18, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन बोल रखा है, 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इन द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, x/18, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो यहाँ तो समझ में आ गया, अब ये जो रेड बॉल आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर इस केस में कितना था, x+2/20 लिख सकते हैं, गेटिंग रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इस केस में, x+2/20, ठीक है, x+2/20 इस केस में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 9/8 टाइम्स फर्स्ट में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी के इक्वल था, ठीक है, 9/8 टाइम्स फर्स्ट में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी के इक्वल था, तो 9 2 = 18, ठीक है, 8 2 = क्या हो जाएगा, 16, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, है ना, तो 16x+2 = 20x, तो 16x+32 = 20, 20x, अब ये 20 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 32 = 20 - 16, तो 4x, तो कितना हो जाएगा, 8, हैंस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, सही वाला बात। तो इस तरह से हम लोग क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, हैंस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। एक्स क्या था, विच एक्स बॉल आर रेड, एक्स क्या था, रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, तो यानी कि रेड बॉल कितना था, 8, तो समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, सेक्शन सी को कंप्लीट किए, आई होप आप समझ रहे होंगे, यस और नो, क्या समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना, और मोर तरीके से और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देन बाय। अब हम लोग मिलते हैं सेक्शन डी डी पर, ठीक है, ओके बाय।